दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जेन ऑस्टन के बारे में जानेंगे, जो कि एक बड़ी मशहूर इंग्लिश नावलिस्ट हैं रोमांटिक एज की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने ऐसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले सेशंस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर आगाह रखें और इस चैनल को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि है जेन ऑस्टन के बारे में। तो जेन ऑस्टन जो हैं, ये 16 दिसंबर 1775 को पैदा हुई और 18 जुलाई 1817 को उनका इंतकाल हुआ। ये एक बड़ी मशहूर अंग्रेज़ नावल निगार थी, जो बुनियादी तौर पर अपने 6 जो हैं वो उनके जो बड़े यानी नावल्स हैं उनके लिए ये मशहूर है, जो 18वीं सदी के आखिर में यानी अंग्रेज़ों की बुनियादी तौर पर तर्जमानी, तनकीद और एक किस्म की जो है वो उन्होंने जो उसमें तबसरा किया है वो उसका जो है यानी हमें एक अक्स नज़र आता है, या ये एक ख़ास किस्म की इनकी जो एक तर्जमानी थी अंग्रेज़ों की और उन पे एक ख़ास किस्म की एक किस्म की तनकीद थी, तो उसकी झलक हमें नज़र आती है। इसी तरह से ऑस्टन के जो प्लाट हैं अक्सर वो यानी बुनियादी तौर पे साजगार हैं मुआशरती इस्तेहकाम और मुआशी तहफ़ के असूल में, और बिलखसूस जो शादियां हैं उन पर और ख़वातीन के यानी इन्हसार का जो एक किस्म की जो तलाश है उनके इर्द गिर्द जो हैं इनके प्लाट्स जो हैं वो घूमते हैं, जो इनके नावल्स हैं। और इसी तरह से जो इनके यानी नावल की जो एक किस्म की तख्लीक है या जो एक ख़ास किस्म का क्रिटिक है, तो वो 18वीं सदी के यानी दूसरे नसफ हिस्से की जो है वो हसासियत के जो है वो नावलों पर तनकीद करती हैं, और 19वीं सदी के यानी जो उसकी जो अदबी हकीकत पसंदी में एक ख़ास मुंतकली का जो है वो यानी हिस्सा है, और उसकी हकीकत पसंदी तंज व मिजाह और इसी तरह से मुआशरती तबसरे के साथ उसके यानी सितम ज़रीफ़ी को और इसी तरह से काटने के इस्तेमाल ने जो है वो तवील अरसे से जो क्रिटिक हैं और जो स्कॉलर्स हैं या जो मकबूल सामईन हैं तो उन सब ने जो है इनकी बड़ी तारीफ की है, जो जेन ऑस्टन के यानी नावल्स हैं। इसी तरह से जेन ऑस्टन जो हैं बुनियादी तौर पर तो मशहूर हैं वो जो उनके 6 नावल्स हैं, और ये हैं बड़े यानी मुख्तसर, लेकिन इनको बहरहाल जो है वो काफ़ी डिस्कस किया जाता रहा है, अब तक जो है इनका नाम सुनाई देता है। तो जो इनके चंद मशहूर नावल्स हैं उनमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, जो उन्होंने 1811 में लिखा। इसी तरह से प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जो उन्होंने 1813 में लिखा। मैंसफील्ड पार्क है, जो उन्होंने 1814 में लिखा। और इसी तरह से एमा जो है वो उन्होंने 1816 में लिखा। तो ये अशात के साथ जो है यानी उसने बुनियादी तौर पे एक शायर यानी मुसन्निफ़ की हैसियत से जो है वो कामयाबी हासिल की। तो इसके अलावा जो है उसने 2 इजाफी जो है वो नावल लिखे, और उनमें नॉर्थेंजर एबे है और परसुएशन है। तो ये जो दोनों नावल हैं ये बुनियादी तौर पे पब्लिश हुए थे 1818 में, और ये यानी एक और आगाज़ किया, और उनका जो आखिर में जो यानी एक नाम था सैंडिशन, लेकिन ये जो नावल उनका था सैंडिशन वो यानी बुनियादी तौर पे नामुकम्मल था, और इस नावल के यानी कंप्लीट होने से पहले ही जो है वो जेन ऑस्टन की जो है वो डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो है वो नुस्खे में 9 उम्र तहरीरों की जो है वो 3 जिल्दें भी छोड़ी थी, और एक इसी तरह से मुख्तसर यानी अफसाना नवीस लेडी जो है जो लेडी सुजन जो है कहा जाता है या सुजैन आप उसे कह लें, और एक और जो है वो अधूरा जो है वो उनका एक नावल था जिसका नाम था यानी वाटसन्स। तो यानी एपिस्टोलरी नावल लेडी सुजैन, और इसके अलावा जो दूसरा उनका अनफिनिश्ड नावल था वो था भी वाटसन्स। और इसी तरह से जेन ऑस्टन जो हैं उसकी यानी 6 मुकम्मल जो हैं वो जो यानी एक किस्म के फुल लेंथ नावल्स हैं, तो वो बुनियादी तौर पे जो हैं वो यानी बड़े मशहूर यानी एक किस्म के शाज़ो नादर, और ये बुनियादी तौर पे यानी
छपाए जा चुके हैं अब तक, अगरचा वो यानी गुमनाम तौर पर शाया हुए थे शुरू में, और उनकी ज़िंदगी के दौरान उनकी यानी जो एक किस्म की एतदाल पसंदी थी और कामयाबी, और इसी तरह से जो शुरू शुरू में जो है उन्हें कोई ख़ास एक किस्म की शोहरत नहीं मिली थी, या अगर हम कहें कि उसे कम शोहरत मिली तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। इसी तरह से उसके यानी बाद की जो शोहरत में एक अहम मुंतकली हुई वो 1833 में वाक़ हुई, जब उसके नावल को जो है वो रिचर्ड जो उस टाइम पे थे बेंटले स्टैंडर्ड, तो यानी उन्होंने जो है वो उन नावल्स की सीरीज में जो है वो दोबारा जो है इसको शाया करने का काम किया, और उसके बाद जो है फिर जिसे फर्डिनेंड पिकरिंग है उन्होंने जो है फिर इन नावल्स को जो है वो बाद में जो है वो एक किस्म का यानी छपाया भी था, और उसके सेट के तौर पे जो है नावल्स को उन्होंने फरोख भी किया, और इसी तरह से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वसी पैमाने पर पजीरे हासिल की और मकबूल यानी जो उस टाइम के जो कारीन थे तो उनमें भी इनको काफ़ी जो है वो मकबूलियत हासिल हुई, और इसी तरह से 1869 में जो है वो उसकी वफात के यानी 52 साल बाद उसके भतीजे जो थे उनकी यानी एक जो है वो अ मेमोर ऑफ जेन ऑस्टिन जो है यानी इसके नाम से जो है अशाज जो है उनके यानी तहरी कैरियर को जो है वो एक मुतनाज़ वर्जन, और इसी तरह से ख्याल किया कि नाज़रीन की ज़िंदगी को जो है वो बेचैन कर दिया जब उन्होंने जो है वो जेन ऑस्टिन के वर्क्स को या उनके नावल्स को पढ़ा। तो इसी तरह से ऑस्टिन ने जो है वो बहुत सारे यानी तनकीदी मजामीन और अदबी अशात को भी मुतासर किया, उनके नावल ने जो है वो सन 1940 की जो है वो जो एक नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो ये जो नावल है 1940 की दिहाई में यानी ये एक हालिया प्रोडक्शन जिसे बुनियादी तौर पे सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो है 1995 में, इसी तरह से एमा 1996 में, और इसी तरह से मैंसफील्ड पार्क 1999 में, फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो 2005 में, और इसी तरह से लव एंड फ्रेंडशिप 2016 में, और इसी तरह से एमा जो है वो 2020 में इन पे यानी फिल्में बनाएंगी इन अदवार में या इन सालों में जो है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जेन ऑस्टिन जो है उनके वर्क्स को जो है वो कितनी पजीराई मिली है, बिलखसूस जो जो फिल्म जो देखते हैं या जो फिल्में बनाते हैं उनका भी यानी जेन ऑस्टिन के जो यानी वर्क्स हैं वो उनका जो है एक किस्म का जो है वो हार्ट फेवरेट रहे हैं किसी हद तक। इसी तरह से लेडी सुजैन की तकमील के बाद ऑस्टिन ने अपना पहला मुकम्मल जो है वो यानी फुल लेंथ जो है वो नावल जो उनका था जो यानी एलेनोर एंड मेरियन था, और ये जो है यानी ये बुनियादी तौर पे इसका उन्होंने आगाज किया, और उसकी बहन को याद आया कि ये 1796 से पहले यानी घर वालों को जो है वो उन्होंने जो है वो उनके सामने जो है वो पढ़ा था या घर वालों को पढ़ाया गया था, और उसे खतूत की एक सीरीज के जरिए जो है वो बताया गया था। इसी तरह से असल जो है वो यानी मखतूतात को जिंदा रखने के बगैर ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि 1811 में जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी के नाम से गुमनाम तौर पर जो है वो शाया होने वाले नावल में असली जो है वो यानी मुसवदा जो है वो कितना बच गया था। इसी तरह से ऑस्टिन ने दूसरा नावल जो है यानी पहला तासुरात जो है जिसे आप कहेंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशंस, और बाद में जो है उन्होंने इसका जो है वो यानी जब इसकी पब्लिशिंग हुई तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से हुई, तो ये 1796 में जो है वो शुरू किया, और उसने इब्तदाई मुसद्दा जो है वो अगस्त 1797 में 21 साल की उम्र में मुकम्मल किया। जैसे कि अपने सभी यानी नावलों की तरह ऑस्टिन ने अपने घर वालों को ये काम बुलंद आवाज से जो है वो पढ़ के सुनाया जब वो इस पर काम कर रही थी, और ये एक जो है वो पसंदीदा जो है वो बन गई, यानी एक किस्म का उनके घर वालों ने जो है उनको काफी सराहा इस काम के ऊपर। तो उस वक्त जो है उसके वालिद ने अपने एक नावल को जो है वो शाया करने की पहली जो है वो कोशिश भी की थी। इसी तरह से जो फर्स्ट इम्प्रेशंस हैं जेन ऑस्टिन का, तो फर्स्ट इम्प्रेशंस जो है उसकी जो यानी अशात हुई या जब उसकी तकमील हुई, तो तकमील के बाद जो है वो यानी वहाँ पे थे ऑस्टिन, तो ऑस्टिन जो है एलेनोर और इसी तरह से मारियाना जो है वो जो लॉर्ड थे उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है वो काफ़ी गहराई जो है उन्होंने जो है वो इसको इसके ऊपर ली,
और नवंबर 1797 के यानी वर्ष से लेके 1798 तक उसमें यानी बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने नज़रसानी की। और उसके तीसरे जो है वो शख्स के बयानी के हक में जो है वो नुस्खा फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया, और इसी तरह से सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो है उसके करीब जो है वो कुछ पैदा किया। इसी तरह से 1797 में ऑस्टन ने यानी अपनी कज़न जो उनकी एक यानी मुस्तकबिल की बहन भी बनी, जो जिनका नाम था एलिजा डे फेलाइड, तो एलिजा डे फेलाइड जो हैं उनसे उनकी एक मुलाकात हुई, जो एक फ्रांसीसी बुजुर्ग जिसके यानी पहले शोहर जो हैं यानी कामटे डी फेलाइड जो हैं उनको यानी जुर्म समझा गया था, जिसकी वजह से वो बरतानिया भाग गया, जहाँ उसने जो है वो हेनरी आस्टन से जो है वो शादी कर ली थी। तो उसकी बेवा के जरिए जो है वो कामटे डी फेलाइड की फांसी की तफसील आस्टन को फ्रांसीसी इनकलाब की यानी शदीद वहशत से वो यानी दो चार हो गए जब उन्होंने सुना, और जो उसकी यानी सारी जिंदगी ये उसमें यानी एक किस्म का जो है वो रहा हॉरर फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेके। इसी तरह से 1798 के वर्ष के दौरान यानी जो एलिनर और मारिका की नज़रसानी जो है वो यानी एक किस्म ख़त्म करने के बाद ऑस्टन ने जो है वो सुजैन के बाद तीसरा नावल जो है वो लिखना शुरू किया। तो ऑस्टन ने तकरीबन ये जो वर्क है 1 साल के बाद अपना काम मुकम्मल किया, और 1803 के अवायल में जो हेनरी ऑस्टन ने यानी उस टाइम लंदन के जो है वो नाशिर बेंजामिन जो है वो क्रॉस्बी कोसोसन की यानी पेशकश की, और जिन्होंने इस यानी हताशात के लिए जो है वो 10 पाउंड जो है वो अदा किए। तो उस वक्त में ये 10 पाउंड जो है ये बड़ी यानी एक किस्म की रकम जो है वो समझी जाती थी, और इसी तरह से जो है वो क्रॉस्बी ने जल्द अशात का वादा किया, और उस हद तक उस किताब को अवामी सतह पर जो है वो यानी प्रेस में होने की तशहीर करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो कुछ नहीं किया। इसी तरह से मकतूब जो है वो यानी क्रॉस्बी के हाथ में रहा और गैर मतलूआ रहा, यहाँ तक कि 1816 में ऑस्टन ने उससे यानी उसकी कॉपीराइट जो है वो उसे दोबारा वापस खरीद ली। और इसी तरह से ऑस्टन जो है उनके जो यानी जो प्लाट हैं वो बुनियादी तौर पे हाईलाइट करते हैं यानी माशरती इस्तेकाम और माशरती सलामती को महफूज बनाने के लिए। इस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनका ज्यादातर जो यानी ये किस्म का महवर है वो शादी और खवातीन का जो एक यानी रवायती इन्हसार है उसको वो उजागर करते हैं। इसी तरह से आर्ट के शक्ल के तौर पर जो है वो 18वीं सदी के यानी नावल में 19वीं सदी से उसके यानी मसावी होने की संगीनी का फुकदान था। तो बिलखुसूस ये माना जाता है कि जो 18वीं सेंचुरी में जो नावल्स लिखे गए हैं वो इतने ज़्यादा जो हैं वो कारगर नहीं थे, अगर हम उन्हें कंपेयर करें 19वीं सदी के नावल्स को, बिलखुसूस जिसमें चार्ल्स डिकेंस का जो है जब हम वर्क देखते हैं। बहरहाल जब नावलों को जिंदगी में अहमियत के हामिल बहस मुबासे के लिए यानी कुदरती जो है वो गाड़ी समझा जाता था, और इसी तरह से नुकात जो हैं वो जो यानी उस वक्त के थे जॉन बेली जो हैं, तो उन्होंने यानी जॉन बेली के मुताबिक ऑस्टन उनके किरदारों की नफ्सियात में बहुत गहराई से तफरी करने के बजाय उनसे लुत्फ उठाती हैं और उन्हें मजाक के साथ रंग देती है। इसी तरह से उसका ख्याल है कि उसकी यानी अकल और सितम जरीफी की जो बहार है उसका एक अपना रवैया है कि मजाया जिंदगी का बचाव जो है वो एक किस्म का यानी फजल है, और ऑस्टन की शोहरत का एक जो है वो हिस्सा तारीखी और अदबी जो है वो अहमियत पर भी मबनी है कि वो अजीम मजाया जो है वो नावल लिखने वाली पहली खातून थी। और इसी तरह से सैमुअल जॉनसन जो है उनका भी जो है यानी असर और रसूख वाजे है, उसमें उन्होंने यानी जिंदगी की नुमाइंदगी के तौर पर खुशी मनाई जा सकती है, और इसी तरह से लिखने के उनके मशवरे पर जो है वो अमल किया है। तो सैमुअल जॉनसन जो है उसका इन्फ्लुएंस भी हम देखते हैं जेन ऑस्टन के वर्क्स पे। और इसी तरह से जो उनका यानी ह्यूमर है यानी जो उसका एक तंज है, तो वो उसकी शायस्तगी और बरतरी की कमी की वजह से है, जिसकी वजह से वो यानी एलिजाबेथ बेनेट जैसे कामयाब तरीन किरदारों को जिंदगी की छोटी छोटी यानी खसूसियात को उबूर करने की इजाज़त देती हैं, जिसमें ज़्यादा जो है वो यानी किस्म की बेवकूफ़ी जो है वो आप कह लें, तो वो यानी इसमें हमें नज़र आता है यानी बेवकूफ़ किरदार ज़्यादा हद तक जो है वो मुबतला हो जाते हैं।
इसी तरह से आस्टन ने खवातीन की जिंदगी और यानी सन्फ या ताल्लुकात की इंफरादियत को खोजने के लिए मजाक का इस्तेमाल किया, और ऐसा लगता है कि वो यानी जिंदगी में जो है वो किस्म की अच्छाई ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल जो है वो करती थी। अक्सर उसे इखलाकी हसासियत के साथ जो है वो फ्यूज करते हुए फनी तनाव जो है वो पैदा करती हैं अपने काम में। इसी तरह से निकात जो है क्रिटिक जो है वो रॉबर्ट वॉलम्स वो लिखते हैं कि आस्टन के ड्रामे और कारनामे को सराहने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि उसका जो है वो यानी ताजीम और तजहीक दोनों के लिए उसका जज्बा जो है वो कितना गहरा था, और उसका मजाहिया तखयल जो है वो उसके जहन और उसके जो है वो वजन के मुताबिकत और इसी तरह से तजादात को जो है वो जाहिर करता है। वो अपने यानी एक किस्म का जो है वो तंजाती तसब को अपनी नेकी के एहसास के साथ सुलह करने की जो है वो कोशिश करती हैं जेन ऑस्टन। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने जेन ऑस्टन के बारे में जो है जाना, ये उनकी यानी मुख्तसरन एक किस्म की ऑटोबायोग्राफी थी। तो उनके वर्क्स और साथ में उनका प्लाट कि उनका प्लाट जो है या उनके नावल्स जो है वो किस चीज़ के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आई होप कि इस सेशन में आपको जेन ऑस्टन के बारे में काफ़ी दिलचस्प मालूम मिली होंगी जो आपको काफ़ी काम भी आएंगी। तो इस सेशन के साथ हम आपसे अलविदा जो है वो कहते हैं अगले सेशन तक के लिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।